तो इंग्लैंड का काम काफी मुश्किल होने वाला है, एक तरह से नामुमकिन, क्योंकि जिस अंदाज में इस वक्त भारतीय टीम खेल रही है बरखा, बहुत ही मुश्किल काम, एक चैलेंजिंग टास्क इंग्लैंड के सामने है। बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है, और जिस तरह से पहला मैच यहाँ पर भारत ने खेला था, एकदम जोश से लबरेज नजर आ रहे थे यूरोप। हाँ, ऐसा लग रहा था कि जो पुराना हिसाब था उसे चुकता करने के इरादे से। मनिंदर जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे यहाँ जाना चाहेंगे कि कार्डिफ में ये मुकाबला क्या पहले मैच जितना ही आसान हो सकता है, क्योंकि सीरीज सील करने का ये बेहतरीन मौका है। देखिए, सीरीज सील करने का बेहतरीन मौका और एक मोमेंटम भी देने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि तीन T20 मैचेस है, केवल T20 सीरीज ही नहीं, इस पर ही नहीं कब्जा करना है, वनडे क्रिकेट भी जीतनी है, उसके बाद टेस्ट मैचेस भी अगर जीतते हैं तो ही इस इंडियन टीम को ऐसा माना जाएगा कि हाँ अब ये बाहर जाके भी जीत सकते हैं। उस नज़रिए से देखें तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये इंडियन टीम के लिए, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा जितना लग रहा है, क्योंकि पहले मैच में आसानी से जीत दर्ज की है। सो कहीं ना कहीं हम लोग जो क्रिकेट प्रेमी है थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए कि हाँ इस इंग्लैंड टीम को ये इंडियन टीम फिर से आसानी से, तो नहीं हुए हम लोग हो गए खिलाड़ी, तो कम नहीं खिलाड़ी नहीं हो सकते, क्योंकि खिलाड़ियों को पता है कि मोमेंटम पकड़ना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया को हरा के, पांचों वनडेज में हराया, फिर एक जो T20 मैच था उसमें भी हरा दिया, उस कॉन्फिडेंस को जरूर भेदा है इस इंडियन टीम ने, और अगर ये वाला मैच जीते हैं तो फिर इंग्लैंड की टीम सोचने लगेगी कि इस इंडियन टीम को जिसके कि हौसले इतने बुलंद है कैसे हराया। बिल्कुल मनिंदर जी, आपने यहाँ पर कहा कि पहला मैच भले ही हम जीत गए हो, अब दूसरा मैच जीतना शायद इतना आसान नहीं हो, आपके हिसाब से चैलेंजेस क्या कुछ रहने वाले हैं फिर आज? इंडियन टीम के लिए चैलेंजेस काफी हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का टच इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पहले मैच में भी जब वो बैटिंग कर रहे थे, हालांकि आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 97 रन बनाए थे, लेकिन वो थोड़ी सी कमजोर सी टीम थी, जब कड़ी टीमें आएंगी सामने, बॉलर आएंगे सामने, तब आपका टच कैसा है वो पता चलता है। विराट कोहली का भी टच उतना बढ़िया नहीं लग रहा था, शिखर धवन ने भी रन्स नहीं बनाए हुए, सो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न रहेगा इंडियन टीम के लिए। केएल राहुल ने रन्स बनाए इसीलिए ऐसा आसानी से हम जीत गए, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टीम आसानी से जीतती रहेगी सब मैचेस। और बॉलिंग में भी आपके पास पांच ही बॉलर्स हैं मेन, ठीक है सुरेश रैना आपको एक दो ओवर्स करके दे सकते हैं, लेकिन किसी एक बॉलर का ऑफ डे हो गया फिर थोड़ी सी परेशानी, पांच गेंदबाज में भी अगर दिक्कत होगी तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है मनिंदर जी। लेकिन दो खिलाड़ी पर खास तौर पर नजर है, यहाँ पर लोकेश राहुल जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, इसके अलावा कुलदीप यादव जिन्होंने 5 विकेट लिए थे, लेकिन इन दो खिलाड़ियों से अगर दूसरे खिलाड़ियों पर बात करें तो रोहित शर्मा के लिए जो 2000 रन उन्होंने बनाने, एक खास दिन हो सकता है, और महेंद्र सिंह धोनी जो कि 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, कितना अहम इन दोनों के लिए और कितनी उम्मीदें इनसे? नहीं, ओवरऑल इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, रोहित शर्मा के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरा ही T20 मैच है, इसके बाद एक और T20 मैच है, फिर 3 वनडे इंटरनेशनल्स हैं, और अगर वहां पर रन्स नहीं बनाते तो थोड़ी सी चिंता इंडियन सिलेक्टर्स की और थिंक टैंक की क्या हो जाएगी कि 2019 के विश्व कप में भी फिर कैसे रोहित शर्मा को एडजस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि IPL में भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, जब वो बैटिंग कर रहे थे वो लय नहीं लग रही थी, और कहीं ऐसा ना हो कि कंटिन्यूसली अगर उनकी लय नहीं आ सकी जैसा कि वो खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो ये परेशानी हो सकती है इंडियन टीम के लिए। जहाँ तक धोनी का सवाल है, IPL में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, अपना बैटिंग ऑर्डर ऊपर किया था क्योंकि कैप्टन थे, सो एक ये ऑप्शन भी दिया है इंडियन टीम को कि उनको ऊपर भी बैटिंग कराई जा सकती है, अगर 20-22 ओवर बचते हैं तो उनको ऊपर भी भेजा जा सकता है, सो उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर नजर आएंगे। उम्मीदें तो हालांकि पूरी टीम से ही यहाँ पर रहने वाली है करुण, लेकिन देखना होगा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर कर पाते हैं। तो बाहर बैठते हो तो पता चलता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, और इसको रियलाइज किया है लोकेश राहुल ने, ये कहीं ना कहीं दर्द भी छलक रहा है मनिंदर जी। ये पता भी चल रहा था, IPL में भी पता चल रहा था, क्योंकि करुण इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आप परफॉर्मेंस करते हैं, जो आपको एडुलेशन मिलती है, तारीफें मिलती है, उसका नशा कुछ अलग सा है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स बनाए, जितने भी रन्स बनाए इतने ज़्यादा लोग देखते नहीं है, लेकिन जब इंडियन टीम के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस देखते हैं और आपको तारीफें मिलती हैं, तो फिर उसमें बहुत मज़ा आने लगता है, और उसका एहसास हुआ है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर नवंबर तक कैप्टन विराट कोहली कहते थे कि केएल राहुल को तो मैं खिलाऊंगा ही, चाहे किसी भी नंबर पर खिलाऊं, लेकिन जब फेल हुए तो उनको ड्रॉप करना पड़ा, और वो ड्रॉप होने के बाद मुझे लगता है खूब मेहनत करके वापस आए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उनका IPL में रहा और जिस तरह से पहले जो आयरलैंड में भी T20 मैच खेला और पहला T20 मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेला, उससे पता चल रहा है कि अब वो 50 रन बना के उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अब वो उसको बड़े स्कोर में तब्दील करना, बड़ा स्कोर यहाँ पर वो बिल्कुल करना चाहेंगे मनिंदर जी। लेकिन जिस तरह पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर लोकेश राहुल का रहा था, अब कहीं ना कहीं दबाव भी महसूस कर रहे होंगे क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और ना सिर्फ लोकेश राहुल बल्कि कुलदीप के साथ। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट आप जब भी खेलेंगे, इंडिया में इतने क्रिकेट फैंस हैं, इतनी उम्मीदें रहती हैं हर खिलाड़ी से, कि वो प्रेशर तो रहता ही है खिलाड़ी के ऊपर,
अब एक खिलाड़ी की क्वालिटी है उसका पता चलता है, उसके कैरेक्टर का पता चलता है कि उस प्रेशर को वो किस तरह से हैंडल करता है। और लोकेश राहुल के ऊपर तो वैसे भी बहुत प्रेशर था क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो वो जगह बनाना चाहते हैं। सो उस प्रेशर को कैसे झेलना है ये विराट कोहली के होते हुए, रवि शास्त्री के होते हुए मुझे लगता है खिलाड़ियों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि ये कम्युनिकेट करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल कम्युनिकेट करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, और जहां कम्युनिकेशन गैप ना हो, जहां पर संवाद हो, वहां पर आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं।